लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का यही कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क कैसे होस्ट करेंगे, ये बताओ। इतनी स्टेबिलिटी है, अभी इस्लामाबाद पूरा बंद पड़ा हुआ है, कैसे होस्ट करेंगे? खिलाड़ियों को कैसे बुलाएंगे जो मैचेस इस्लामाबाद के अंदर है, उनका क्या करेंगे? कंटेनर कैसे हटाएंगे वहाँ पर? जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट वगैरह ये खत्म होगा तो आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हम एक पॉइंट के ऊपर नहीं रो सकते क्या? हम रोजाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं, यानी हर चीज़ के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा। लेकिन कोई ऐसा हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी उसके अंदर आनी चाहिए, कोई मुसलसल तसलसल आना चाहिए जिसका फ़ायदा आवाम को। सर आप बताएं, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अब तो क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। पहले इंडिया था, इंडिया ये कहता था कि भाई हमने पाकिस्तान जाके चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलनी। अब कई ममालिक और हैं जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियन ट्रॉफी को लेकर 16 बोर्ड के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी जो कि अगले 24 घंटों के लिए मुलतवी कर दी गई है। आईसीसी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों बोर्ड जो हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लेकर आए तभी ये मीटिंग हो पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का यही कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक बेचारी ट्रॉफी ने तो टूर हर कंट्री में करना है, लेकिन सवाल ये है वो वापस हमारे पास आएगी या होस्टिंग ही हमसे छीन लेंगे? हमसे होस्टिंग छीन ली जाएगी आई गेस। हमसे होस्टिंग छीन ली? यस ऐसा ही है। हम काबिल नहीं है कोई टूर्नामेंट होस्ट करने के इसलिए, या फिर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा इसलिए? ऐसा नहीं है कि हम इस काबिल नहीं है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के वैसे ही नहीं थे हालात वगैरह, तो शायद इसलिए कि इंडिया की वजह से, इंडिया की वजह से, इंडिया की वजह से जी। बाकी हम इस काबिल हैं कि हम उसको होस्ट करें चैंपियंस ट्रॉफी को? जी ज़रूर हम इस काबिल हैं। कैसे होस्ट करेंगे ये बताओ, इतनी स्टेबिलिटी है, अभी इस्लामाबाद पूरा बंद पड़ा हुआ है, कैसे होस्ट करेंगे? खिलाड़ियों को कैसे बुलाएंगे जो मैचेस इस्लामाबाद के अंदर है, उनका क्या करेंगे? कंटेनर कैसे हटाएंगे वहाँ पर? जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट वगैरह ये ख़त्म होगा तो ही आएगा ना, मतलब कोई स्टैंड ही नहीं लिया जा रहा वगैरह तो कैसे वाले होगा? लोग हैं उनको कुछ सीरियसली संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो मार्स पर जाने के प्रोग्राम कर रही है, इतनी एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी आगे चली गई है, और हमारे हालात ही हैं, हमारी आईटी की हालत इस वक्त ये है कि हमारे सादा मैसेज जो ऑडियो और वीडियो हैं वो भी नहीं पहुँचते, और यहाँ कि आप दुनिया 5G और 6G के टेस्ट कर चुकी है, दुनिया चल रही है उसके ऊपर, अपने रोबोट्स अपनी मशीनें चला रही है उसके ऊपर, अपने सनतें उन्होंने खड़ी कर दी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ अभी तक 2G मुसलसल नहीं चल रहा, तो कंटिन्यूटी इनको लानी पड़ेगी संजीदगी के साथ। ये जो मामलात हैं अब इनको कहीं ना कहीं, अगर आप मुहिब वतन हैं सही मानों में देखें, मुहिब वतन तो वही है जो वतन को ऊपर लेके जाएगा, आप मुसलसल स्टेप बैक करते जा रहे हैं, स्टेप बैक करते जा रहे हैं। अगर ये देखें आपने स्पोर्ट्स की बात की है, हम एक पॉइंट के ऊपर नहीं रो सकते क्या? हम रोज़ाना कभी महंगाई पे रो रहे हैं, कभी चावलों पे रो रहे हैं, कभी आटे पे रो रहे हैं, कभी ये खेल के मैदान में रो रहे हैं, कभी पढ़ाई के ऊपर रो रहे हैं, यानी हर चीज़ के ऊपर तो हमारा रोना धोना लगा रहेगा। लेकिन कोई ऐसा हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूटी उसके अंदर आनी चाहिए, कोई मुसलसल तसलसल आना चाहिए जिसका फ़ायदा आवाम। सर आप बताएं, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, अब तो क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। पहले इंडिया था, इंडिया ये कहता था कि भाई हमने पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी। अब कई ममालिक और हैं जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा हालात ने हमारे मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि जो सियासी कश्मकश चल रही है, इसका क्रिकेट के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं तो ये आपस में हमारी कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं। तो फिर सर श्रीलंकन टीम क्यों वापस चलेगी अगर क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है? हमें डर था, हमें खौफ था कि श्रीलंकन टीम के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने उन्हें वापस भेजा ना। उसकी ये रीज़न नहीं है कि वो क्यों चली गई है। हाँ। उसका रीज़न पूरी वर्ल्ड बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उन दिनों इस्लामाबाद में कशीदगी थी तो उनके जो मैचेस थे वो भी रावलपिंडी में थे। तो ये तासुर देना कि उनको कुछ हो ना जाए, आप भाग जाएं या चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। अब वहाँ वो हालात ही नॉर्मल नहीं थे और पीसीबी ने ये उनको श्रीलंकन बोर्ड को भी यकीन दहानी कराई है कि ये दो जो मैचेस रह गए हैं उनको हम रीशेड्यूल करेंगे और दोबारा हम सीरीज को ना मुकम्मल करेंगे। पूरी सूरत हाल देखते हुए आईसीसी कभी अलाउ करेगा कि ट्रॉफी वापस पाकिस्तान आए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कभी अलाउ करेगा? नहीं। वो फेयर कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। खुद ही कह रहे हो हम स्टेबल नहीं है, फिर कह रहे हो गलत है? नहीं, हम स्टेबल नहीं है लेकिन है तो गलत ही। जो जाहिर सी बात है हमारी ट्रॉफी है तो गलत तो हो ही गा जान। हमारी कंट्री में सिर्फ ट्रॉफी आई थी, ट्रॉफी है आईसीसी की क्योंकि उनका टूर्नामेंट है ना जो हम होस्ट कर रहे हैं। आपकी शुआएं कुछ हमें पंजाब में भी दहकती हुई नजर आई हैं। कुछ पंजाब के इलाके ऐसे थे जिन्हें कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया, जहां पे हमारी बहुत सारी यूथ निकली जिन्होंने टायरों को आग लगाई, एहतजाज किया। विजुअल हम सब ने देखे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया आए और इसी तरह का एहतजाज हो, क्योंकि ये जो एहतजाज था ये कोई पीटीआई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकली। लेकिन पीटीआई को जब पता होगा कि इधर इंटरनेशनल ट्रॉफी इवेंट चल रहा है तो वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। याद होगा जब एससीओ की मीटिंग हुई थी तब भी पीटीआई ने अपनी जो है प्रोटेस्ट कॉल दी थी, शायद आपको याद हो। मैं ऐड कर देता हूँ, बेलारूस के सदर पाकिस्तान में थे इस वक्त, इस्लामाबाद के अंदर थे, उसी दिन ही आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो तंजीम या जमात जो इस बात का लिहाज करे कि इस वक्त कौन सा मेहमान हमारे मुल्क में मौजूद है। मैंने पहले एक बात की है कि अगर आप डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं तो फिर लोगों को राइट दें कि वो अपनी बात करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपका भाई ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहेगा आपकी मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।